तरुण आज जमानत अर्जी सुनाई गई जिसमें सीजान के वकील ने अपना पक्ष रखा, क्या कुछ बड़ी बातें कहीं कोर्ट में अपनी तरफ से उन्होंने और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, आगे क्या होगा? उन्होंने जो उनकी बेल एप्लीकेशन जो अर्ज थी आज, जिसकी आज सुनवाई भी हुई, कोर्ट ने उन्हें पूरा समय दिया। उन सुनवाई के समय उन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी आज और फाइल किए, फ्रेश फोटोग्राफ्स फाइल किए, वो मेडिसिन के बारे में फाइल किए, करीबन कुछ जजमेंट्स फाइल किए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो विषय देखते हुए क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने फाइल किए आर्ग्यू करते समय, तो हमने डेट मांगी क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसका मुझे भी रिप्लाई देना पड़ेगा, हमको भी हमारे तथ्य बाहर रखने पड़ेंगे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने एक और अर्ज की थी कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है आज की जो एप्लीकेशन है वो इन कैमरा में हो, किसी भी पत्रकार को अलाउड नहीं किया जाए, अंदर सुनने नहीं दिया जाए, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उनका ऐसा मानना था कि कुछ विषय ऐसे है जो बाहर निकालना चाहते हैं कैमरे के, और उसका मीडिया गलत इंटरप्रिटेशन करती है, तो मेरे हिसाब से भी आपको ही सोचना पड़ेगा आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स का। हमें तो कुछ नहीं बोलना, वही बोलेगी अभी आपको आके, बट मेरा ये मानना था कि आज के ऊपर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसके लिए हमें भी समय चाहिए था, तो हमने 11 तारीख लिए, 11 तारीख को हम हमारा पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट निर्णय देगा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि कोर्ट विल डू जस्टिस टू पुलिसिया। ये कहा गया कि आखिरी में लास्ट पर्सन जो था जिसने बात किया पुलिसिया से वो सीजान था, लेकिन आज एक नया ग्राउंड रखा गया कि टिंडर पर एक अली नाम का लड़का था जो 15 मिनट तक उसने आखिरी में बातचीत की थी, और पिछली 3 शाम को उसने उस अली नाम के व्यक्ति से टिंडर की मुलाकात भी की। कौन है ये व्यक्ति, ये अचानक से कैरेक्टर कहाँ से आया है? अभी तक अगर आपने पुलिस का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो पुलिस के रिपोर्ट में भी ये बोलना था कि अभी तक तुनिशा का मोबाइल ओपन नहीं हुआ है, तो जब तुनिशा का मोबाइल आईफोन कंपनी का था जो ओपन ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली? पहली चीज़ तो अगर सेजान ने इनके वकील को ये बताया है, अगर ये बोलते हैं तो उसको कैसे मालूम कि लास्ट में जब ये खुद इनका आर्ग्यूमेंट था कि ये सेजान कमरे से चला गया था, जब कमरे से चला गया उसके बाद 15 मिनट अली ने बात किया उससे, तो ये सेजान को कैसे पता चला जबकि वो मर चुकी थी? ये उनका आर्ग्यूमेंट है? 45 मिनट्स टिल बोथ ऑफ देम वेयर इन द कार मेकअप रूम, वो खुद आज आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि सेजान रूम छोड़ के चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि 15 मिनट तक तुनिशा से अली से बात कर रही थी, वो ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल आया भी गया भी, सब आर्ग्यू किया उन्होंने। तो सबसे बड़ा डाउट अब ये क्रिएट हो रहा है कि क्या पता तुनिशा जब गाड़ी में बैठी थी उनके साथ तो तुनिशा ने उससे बात की थी क्या, जब वो उसे उठा के लेके गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब तक हम ऐसा बोल रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे कि इट इज़ 306, नाउ इट क्रिएट अ डाउट ऑफ 302। लेकिन बोला ये जा रहा है कि तुनिशा की माँ से भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो भी जानती अनीता शर्मा बात किया उन्होंने, वकील ने बताया आर्गुमेंट में कहा भी नहीं आया, आर्गुमेंट में बात हुई है कि वीडियो कॉल पे बात हुआ है तुनिशा की माँ के साथ। 20 साइटेशंस का जिक्र किया गया, उसमें से कुछ हाईलाइट किया गया, वो साइटेशंस थे एक्टर सूरज पांचोली, केवी एक्टर राहुल राज सिंह और अर्णव गोस्वामी, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस या सेलिब्रिटी केसेस को हाईलाइट करके साइटेशंस दिए गए, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए मेरे लिए आप जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने जो जो साइटेशन साइट किए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि लॉ क्या बोलता है। साइटेशंस समय समय की, हर साइटेशन जो है या तो बेल एप्लीकेशन है या एंटीसिपेटरी बेल है या ट्रायल चल रहा है या चार्जशीट फाइल हुई है, ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक अपने केस में। ये जो साइटेशंस आप साइट कर रहे हो, कम से कम एक एक महीने, दो दो महीने उसमें बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसके बाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है, उनके ग्राउंड्स अलग थे, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, उनकी स्टोरी अलग थी। तो कोर्ट भी ये बोलता है कि एवरी साइटेशन हैज़ टू बी सीन एज पर द केस, देयर कैन नॉट बी नो फॉर्मूला जॉकेट, तो इसमें जो वही लागू होगा कि देयर वुड बी नो फॉर्मूला जॉकेट, द साइटेशन हैज़ टू बी रीड। अभी उन्होंने आज साइटेशन दी है, हम भी उसका जवाब साइटेशन में ही देंगे। थैंक यू।